निशिमा, कैसी हैं? हाय, बस बढ़िया। बहुत दिनों बाद याद किया आपने। बहुत दिनों बाद आप नहीं मिलते हो या आई गेट वेरी बिजी, सो वेलकम टू इंडिया टीवी फोरम अगेन निशिमा। थैंक यू सो मच, सो गुड टू बी बैक अगेन। थैंक यू। एंड निशिमा, माय गॉड, यू हैव लाइक डन सो मेनी लवली थिंग्स रिसेंटली। वी आर ऑल सो हैप्पी। What all things you have to tell या me? वन वॉज माई गॉड, चुगलकोर आंटी स्पोक अबाउट कैश जोड़ी। दैट वॉज वेरी वेरी इट वॉज कमिंग बिकॉज वेन आई हर्ड, जब मैंने सुना कि करण को अप्रोच किया है शो के लिए और फीमेल एंकर के बारे में विचार कर रहे हैं, सो आई जस्ट गिव देम दिस स्मॉल टिप्स की यू नो उनका को लेना चाहिए, बिकॉज कैश फैंस आई ऑलवेज हैड दैट इन माइंड की कैश फैंस जो चाहते हैं वो मैंने बस लोगों को कन्वे किया एंड आई एम श्योर दे विल लुक इन टू इट। आई थिंक यू गाइस हैव गॉट फीडबैक फ्रॉम कलर्स ऑल्सो, यस, दे विल लुक इन टू द मैटर एंड दे डायरेक्टली डोंट मतलब वो दे आर नॉट मतलब उनका कुछ लेना देना नहीं है इस बात से, लेकिन द प्रोड्यूसर्स विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द सेम। सो आई थिंक आई विश एंड आई होप दैट ऑल द फैंस हियर गुड न्यूज वेरी सून। वेरी गुड, एक्सलेंट, थैंक यू सो मच। कर दिया हमने, बस सजेशन दे दिया प्लस अथॉरिटीज को बता दिया कि दिस इज अ सजेशन दैट वी गिव, आगे क्या करना है ये तो वही जानते हैं और वही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई डोंट नो निशिमा इफ यू हर्ड शिल्पा आंसर्ड अ फोन कॉल एंड देर वॉज अ न्यूज इन माई थिंग माई मेल, आई वॉज टू मेल्स फ्रॉम पूजा एंड सेइंग यू नो गेस व्हाट वी गॉट शिल्पा फाइनली एंड आई वॉज लाइक इंडिया टीवी फोरम्स वाले तो खूब खुश हो रहे होंगे, खूब मतलब वहाँ पे तो रौनक लगी होगी अभी। बिल्कुल रौनक, बिल्कुल। आप यू प्लीज लिसन टू हर, शिल्पा वॉज एट हर बेस्ट एंड वी ऑल्सो टोल्ड हर अबाउट हाउ SBS वॉन्ट्स टू डू अ ज्वाइंट कैश इंटरव्यू। वी टोल्ड हर दैट करण हैज अग्रीड एंड सो शी सेड या शी इज ऑल्सो रेडी टू डू इट। चलो कूल, वेरी गुड, वी अप्रोच अ वेरी सून, थैंक यू, फोन करते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एंड निशिमा, लाइक और एक बात थी, लाइक आई टोल्ड शिल्पा दैट यू नो आई टोल्ड हर अबाउट दिस कलर्स थिंग एंड आई टोल्ड हर ऑल्सो अबाउट बेसिकली सेइंग दैट हाउ द फैंस आर डाइंग एंड दे कॉल्ड कलर्स एंड ऑल दैट, सो शी वॉज वेरी टच्ड, शी वॉज एक्सट्रीमली टच्ड बाय ऑल ऑफ इट। Oh, so cool, yeah, so yeah. Cool. And then I also told her, Nishima, that SBS people have recommended her on, and she was so happy. So I sent her the link. I mean, Mahek, our super moderator, she sent me the link where SBS showed that SBS Barish segment with Chugalkor Aunty. So I sent that to Shilpa to have a look. So she must be, by now, must have seen it too. Oh, so cool. So cool, really. Thank you so much. Yeah, you guys like do a lot for us also. No, it's mutual, Nishima. It's mutual. So yeah. That is Shilpa. And then I wanted to ask you another thing. The Prem Heer fans nowadays complaining ki aajkal kyun no nok joke with Aditi and Harshad. क्या बात कर रहे हो, इनफैक्ट हम हर दूसरे तीसरे दिन जाने की कोशिश करते हैं, वी ऑलवेज गो ऑन द सेट, वी हैव सीन दैट द कैश फैंस, हमारी फेसबुक पर भी खूब सारे रिक्वेस्ट आते हैं और हम लोग ऑलमोस्ट एवरी वीक वी कवर द किस डेज में है मेरा दिल दिस थिंग, ऑलमोस्ट एवरी वीक, अभी टू डेज इन अ रो वी शोड किस डेज में एंड फैंस वर रियली हैप्पी, आई डोंट नो कि वो और ज्यादा देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। एंड देयर इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल यू fans out there, you can interact with SBS now because in another way, because we are starting a new segment called Stories on Demand. Oh. So whatever you guys demand, क्या जैसे किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, गो एंड आस्क मिले जब हम तुम स्टार्स समथिंग दैट यू गाइज वॉन्ट टू, या GST से कुछ पूछना है, स्टोरीज यू वुड लाइक टू सी, मतलब कैसे आप जैसे स्टोरीज ऑन डिमांड एज इन जैसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि something that what is Shilpa doing right now, right. क्या कर रही है वो, right. So we will go and do the story as you guys say. Wow. So Stories on Demand is a new segment we are starting from Monday. Very so good. All you fans out there, please send us your mails and feedback कि क्या देखना चाहते हैं और किस स्टोरी पे किस किस तरह से देखना चाहते हैं। We are starting one segment daily from Monday. Oh,
Okay, okay, fantastic. So there's a new way to interact with the fans. Right, excellent. And okay, now you mentioned GHT, and I want to thank you so much. You showed us Gauri and Hiten together for the Ganesh Ji thing. Yeah, it was really difficult, but we finally got it. Because kismat bahut achhi thi, shayad Ganpati Bappa ka hi aashirwad tha that we had to do it. Uh-huh. Gauri was really not feeling well a day before. Uh-huh. Wo nahi tabiyat theek nahi thi because she's pregnant. Yes. Aur shayad unko aashirwad lena hi tha Bappa ka, and she had to come onto our office and she had to see Lal Bagh. Uh-huh. Wo destined, and wo hua, and it was a wonderful next segment, but it was really liked by all the viewers. I really liked it. Yes, it was beautiful, and Gauri was looking so nice painting, and Hiten ka of course commentary bhi bahut hi badhiya tha. Aur please, we have one request for you, Nishima. Please aap jaake Palampur mein Hiten ka interview bhi lijiyega. जी बिल्कुल, मैंने सुना है कि पालमपुर एक्सप्रेस बाय बाय कर रहा है सबसे. हाँ, I have heard this, कि पालमपुर एक्सप्रेस इज गोइंग ऑफ एयर. सो डोंट वरी, वी विल ट्राई एंड कवर एज मच ऑफ हितेन एज यू गाइस वांट. एंड इनकी मोहब्बत है ऑल्सो, ही इज देयर, सो वी विल डेफिनेटली डेफिनेटली कवर. एंड देयर आर मोर सरप्राइजेस इन स्टोर, एंड हितेन विल ऑल्सो बी अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ और आप आजकल आपका कान और नाक और आंख कहाँ कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा हमें भी बताइए. कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप, इसलिए हम बताते हैं. सो दिल मिल गए में नए इंटर्न आ रहे हैं, उसका क्या हो रहा है? दिल मिल गए में करण, माय वेरी गुड फ्रेंड करण वाही इज अगेन एंटरिंग द सीरियल. अच्छा, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड सो आई हैव टू फ्रेंड्स नाउ इन दिल मिल गए. अच्छा, वन इज करण, वन इज करण ओके, एंड वाही, ओ टू टू करण्स नाउ. Karan is also a very nice guy. He had his fan following in Remix. Achha. And now since he's coming as a new intern in Film India, and few other interns are coming in, and I would like to reassure the fans that Karan is not going anywhere. He'll be very much part of the story, okay, as we told us. Mm-hmm. And he will not go, and he will not leave DMG at any cost. Right. So all you fans out there who think that the new interns means the old interns will go away are wrong. Achha. And Karan will very much be a part of the story. Achha. So abhi ye Dr. Muskan ke liye naya jo doctor to nahi aa rahe na, Rahul Muskan fans are very worried about that. हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी. ये तो सीरियल की दुनिया है डॉली भी, आपको तो पता ही है, कभी कुछ भी हो सकता है. व्हेन आई एक 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 इंसिडेंट में आपको याद दिलाना चाहूंगी. देर वॉज अ टाइम जब जय और बानी की जो जोड़ी थी ना, मतलब पुष्कर एंड इसकी जोड़ी बनी थी रोशनी की, एंड अलग अलग ही जोड़ी थी. डे बिफोर आई वॉज ऑन द सेट, मैं सेट पर खड़ी हुई हूँ, एंड दे वर नॉट, वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो बानी के कैरेक्टर के साथ क्या करें. क्या करें एंड सडनली एक का क्या हुआ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. द नेक्स्ट डे आई वेंट एंड आई हर्ड दैट राम इज गेटिंग मैरिड टू प्राची इन द सीरियल कैरेक्टर्स, जय और बानी की शादी हो रही है. आई वाज लाइक शॉक, यार कल तक तो कुछ नहीं था स्टोरी में, एंड हाउ कम यू गाइस आर गेटिंग मैरिड नाउ, एंड दैट टू विद एज डिफरेंस. यार सो दिस इज द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द टेलीविजन इंडस्ट्री, की आज कुछ भी नहीं है, कल कुछ भी हो सकता है. प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत खराब है टेलीविजन इंडस्ट्री में, प्लस इट्स ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग दैट यू नेवर नो क्या हो क्या ना हो. हमारे राहुल हैज टेकन अ ब्रेक, डॉक्टर राहुल हैज टेकन अ लिटिल ब्रेक. आई डोंट नो इफ ही इज कमिंग बैक और नॉट, आई डोंट नो. ऑल्सो सेज ही इज मूविंग ऑन, वी हैव बीन टॉकिंग टू हिम क्वाइट फ्रीक्वेंटली. और उनका भी आपने गणपति का पेंटिंग करवाया, बहुत ही बढ़िया था, वी एंजॉयड दैट ऑल्सो. तो अच्छा, अब हम लोग सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट पे करते हैं, सीरियसली इट रियली मैटर्स फॉर अस. तो फिर आप ये कर दो प्लीज कि डॉक्टर मुस्कान के लिए और कोई ना लाए. अरे उनको अपनी सवारा रहने दो, क्या है शादी होने दीजिए. So we also have another request now that you also listen to request. हम लोग we are signing up a petition for Sony की कुटुम का रीरन हम लोग दोबारा देखना चाहते हैं Sony TV पे.
क्योंकि जो कुटुम्ब इज द अम्मा ऑफ ऑल सीरियल्स, इजंट इट? आई हैव नॉट सीन मच ऑफ इट. ओ यू मस्ट, यू मस्ट सी इट. कुटुम्ब बिटवीन गौरी एंड हितेन इज द ओरिजिनल लव स्टोरी ऑफ ऑल टाइम. तो हम लोग वो पिटिशन साइन कर रहे हैं, सो वी विल सेंड दैट टू यू सून, एंड देन इफ यू कुड जस्ट से दैट दिस इज व्हाट द जीएचटी फैंस आर डिमांडिंग, वी विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू. कूल. डू सेंड मी द लिंक. Yeah, I will surely share it with that in my show. And also, Gauri's birthday is very soon, Nishima. 16 September ko hai. Yeah, so, sure. And she's gifting this time. Yes. She's gifting us a little baby very soon. Yes. So we have some, I mean, last time we had Maham, hamara member hai, jo Pakistan se unka drawing tha. Wo aur ek request hai, sir fans, hame agar aap Gauri ka interview dekhna chahte hain, to ek reason bhi hona chahiye na. Haan. To send us something that you want to give Gauri, yeah, so that we can just go to her and say, you know, you have a lot of fans gifting you something, so that is why we are coming. Yeah, so unka we have a lot of portraits, we have poems, we have everything. I'll send you all of that. I sent you once before uska, you know, Pakistan se. So I have that. Maine uska print out nikal liya hai. Plus, if you guys want to send me more poems, more. If you want to send anything, please send us. Haan. We will surely get it for you. Okay, thank you. Thank you. आपके बिना हम क्या करते हैं फिर ना, आप ही तो हो हमारा विंडो. बस और हम लोग ने इनका भी इंटरव्यू लिया था, अर्जुन बिजनानी का, मयंक, उनको तो ही वॉज सो स्वीट एंड ही इज ready to do another long interview for us. और हमने उनसे पूछा कि मयंक जी आपका और नुपुर का ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी है कि नहीं, तो उन्होंने तो इनकार कर दिया. और आपका अनाक और आंग क्या बोल रहे हैं? मेरे को नहीं लगता है कि दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स फॉर श्योर एंड वेरी गुड फ्रेंड्स ऑल ऑफ द लॉट. द फोर ऑफ देम आर अ वेरी गुड फ्रेंडली कपल, ऐसा तो मुझे कुछ लगता नहीं है. आई डोंट थिंक सो. दे आर वेरी गुड फ्रेंड एवरीबडी, इवन ऑल द फोर ऑफ देम. इवन नूपुर सम्राट की भी बहुत अच्छी दोस्त है. और सम्राट जो है रसिका, मतलब एवरी, ये चारों की जोड़ी बहुत अच्छी फ्रेंड है. अच्छा, एक्चुअली हम लोग को अर्जुन बोल रहे थे कि initially he was to do Samrat's role, फिर बाद में he started got the Nupur Mayank role, I mean, and then that's how it went. हाँ, बट इवन मयंक इज मोर पॉपुलर. मैंने उनको वही बोला था जब थोड़े महीने पहले मेरी उनसे बात हुई थी. तो he was kidding a little, you know, मेरे को सम्राट का रोल करना चाहिए था. बट आई टोल्ड हिम मयंक हैज हिज ओन फैन फॉलोइंग. और कुछ चीजें किसी बंदे के लिए ही बनी होती हैं, कहते हैं ना. बिल्कुल. तो अगर वो सम्राट वो मयंक का रोल करता तो ही वुडंट हैव फिटेड. तो अगर मतलब जो चीज जिसके लिए डेस्टिन्ड होती है वो ही करता है और वही उसको शो भी करता है. बिल्कुल. और हमारे कानों में खबर आ रही है कि कितनी मोहब्बत है इज गोइंग टू फिनिश, इज इट ट्रू और फॉल्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है. बिकॉज हम लोग कल पर गए करण से और कृतिका से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है. 25 से ट्रैक चेंज हो रहा है फॉर श्योर, बिकॉज जो अभी का ट्रैक है वो लोगों को थोड़ा सा इट हैज नॉट गॉन इन साइड द ऑडियंस माइंड, यू नो, थोड़ा सा अलग तरीके से करना उनको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट दूसरे तरीके से कर रहे हैं. एंड इन स्पीकिंग टू करण एंड कृतिका, दे टेल अस कि वो 25 से डिफरेंट स्टोरी लाइन जाएगी, चलते वो प्रेजेंट में आ जाएंगी. अभी ऐसा दिखता है ना कि जेल में है अर्जुन है, तो वो प्रेजेंट में आ जाएगी कहानी कि वो जेल से कैसे बाहर आता है और कैसे वो आरोही को पाने की कोशिश करता है. अच्छा, तो कहानी विल बी इन प्रेजेंट नाउ. अभी तक तो फ्लैशबैक में चल रही है सारी कहानी. अच्छा. लेकिन अभी ऐसा होगा कि वो प्रेजेंट में आ जाएगी, सो देयर विल बी अ चेंज ऑफ ट्रैक. और हमारा हितेन का क्या होगा? आपके हितेन का बहुत कुछ होगा. ही इज बीन साइनिंग वंडरफुल प्रोजेक्ट राइट नाउ. और ही इज डूइंग कितनी मोहब्बत है. और मैंने सुना है कि एक आधा रियलिटी शो भी वो कर सकते हैं. वाओ, दैट इज सच अ रियलिटी शो. हाँ जी,
घी शक्कर दे योर पुटिंग इन माई माउथ. ऑल्सो सिंस आई वॉन्ट इंडिया टीवी फोरम टू रियली मेल अस की बिग बॉस की लिस्ट में वो किसको किसको देखना चाहते हैं. ठीक है. आई नो दे वॉन्ट टू सी शिल्पा, आई नो दे वॉन्ट टू सी करण, एंड आगे किस किस को देखना चाहते हैं प्लीज बताएं, बिकॉज हमारे को एक सेगमेंट लेना है वेर एन वील से बिग बॉस थ्री में कौन कौन दे वॉन्ट टू सी. और एंड प्लस द कॉन्ट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज ऑल्सो दे हैव टू टेल मी कि कौन कौन एकदम फिट बैठेगा और क्यों. अच्छा ठीक है, हम शुरू कर देते हैं. SBS@tanews.co.in. यस बिल्कुल बिल्कुल भिजवा देंगे. एंड सो बस ये सब पूछना था आपसे इस बार, एंड देन वी वॉन्टेड टू जस्ट गेट ऑल दीज क्लैरिफिकेशंस और सो मेनी. हाँ लाइक वी हर्ड दैट इवन पद्मिनी नॉन किया दैट हैज कम टू एन एंड इजंट इट, और एक आध भी दैट हैज ऑलरेडी कम टू एन एंड. सो एंड वी आर सो ग्लैड दैट हितेन भी इज गोइंग टू डू समथिंग वेरी नाइस. एंड ये ऐसे ही रूमर्स आ रहे थे हमारे पास डीएमजी ऐसा रूमर भी मैंने तो रूमर्स ही सुने हैं. वैसे तो वी नेवर कीप रूमर्स, वो सीधा बता देते हैं. हाँ. कुछ छुपाते नहीं है. हितेन की एक बहुत अच्छी आदत है एंड वेरी वेरी नाइस क्वालिटी ऑफ हिज, वो कुछ छुपाते नहीं है. बिल्कुल. लाइफ इज एन ओपन बुक, तो अब अगर वो आगे कुछ करेंगे तो वो सबको पता लग ही जाएगा और डेफिनेटली SBS को तो पता लगेगा ही. थैंक यू. Yes, Hiten is the most wonderful guy we've also come across. And so, and anything else, Nishima? Aapko from our side, hamare chote aapko gossipy questions puchengi mujhse. Mereko laga ki kuch gossip dene ka time hai. Gossip to bahut chahiye. Hum log ko to hamesha chahiye. Wohi hum puchte hi rehte hain. तो यार हमने यही सुना तो हाँ इसके बारे में बेचारा वो ये रिश्ता क्या कहलाता है, शादी वादी खत्म हो गई. तो हाउ इज दैट, तो नक्श नक्श का क्या हो रहा है ना नैतिक अक्षरा. हाँ हाँ. आई वॉन्ट टू नो द रिस्पॉन्स ऑफ विदाई ऑल्सो. अलॉट ऑफ बहुत टाइम हो गया हमें विदाई के कुछ मेल्स नहीं आ रहे हैं. सो व्हाट पीपल आर वॉचिंग इट ना. आई नो आई डोंट थिंक सो. नो हमारे यहाँ तो नो बडी हैज एनी इंटरेस्ट इन विदाई. ओके. तो हम लोग तो उसका बिल्कुल हमारा यहाँ वी हैव ये रिश्ता क्या कहलाता है, कितनी मोहब्बत है में है पालमपुर बिकॉज देयर इज हितेन इन इट, कितनी मोहब्बत है में भी ऑल्सो हितेन एज वेल एज ओके करण एंड कृतिका. एंड देन वी ये रिश्ता क्या कहलाता है MJHT का है, ऑफकोर्स DMG का है. सो बट या नन ऑफ सो विदाई तो नो वन आई थिंक वी हैवंट बीन डिस्कसिंग एट ऑल. अभी विदाई में नया ट्रैक आ रहा है वेर इन द मर्डरर विल बी हील्ड एंड हाउ आलेक विल गेट ओके, ठीक हो जाएगा. और कलर्स पीपल आर वॉचिंग माय अनाइज दिस लाडो, इट हैज गॉट गुड TRPs. या कौन सा लाडो? लाडो लाडो हम मैं तो वो देख रहे हैं हम निशिमा. आई लाइक दैट अ लॉट ऑन NDTV. इमेजिन मीरा. हाँ तो आप उसका क्या हो रहा है आप बताओ. वो छोटी लड़की तो बहुत ही प्यारी है. बिल्कुल. वडोदरा में शूटिंग चलती है इनकी सागर फिल्म सिटी में एंड वंडरफुल सीरियल. आई मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं है वो सीरियल को, लेकिन आई हैव बीन वॉचिंग. व्हाट आई हैव बीन वॉचिंग इज नाना इज बेस लाडो. आई हैव बिकम अ बिग 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 फैन ऑफ द शो. आई हैव बिकम अ बिग फैन ऑफ अम्मा जी. यू शुड जस्ट वॉच द सीरियल. इट्स ऑसम. ओके ओके वी विल. आई विल जस्ट केयर द डे लाइट यू नो. आपको ऐसा लगेगा कि आप क्या देख रहे हो. इट्स ऑसम एंड द प्रोडक्शन क्वालिटी इज ऑसम. मतलब आई हैव बीन, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई हैव बीन वॉचिंग द शो. And of lately, I watched the show and I missed another this thing. एक ऐसा शो था जो मैं बहुत देखती थी, उसको मिस करके मैं आना इसे फ्लाडो देखती हूँ. अच्छा. I think it's a wonderful show. पवित्र रिश्ता आप देख रही थी ना. I know you told us that. हाँ पवित्र रिश्ता. पवित्र रिश्ता is also a good serial. It's a good serial. And वो कलर से और भी शोज आ रहे हैं. एकता is doing a new show called Veritia. अच्छा अच्छा. एकता is doing something without a K. Yeah, even Bandini is with B and even Mitri Rishta is with B. So now again B she is coming to and I think K ka moh unka chhoot chuka hai. Achha, achha. So aap ye batao hum log ko Bandini ka gossip batao. Kya kar rahe hain aajkal Ronit Roy?
रोनित रॉय इज बैक. अभी अभी वो वापस आए हैं फिल्म में आफ्टर शूटिंग फॉर अ फिल्म. ही इज बीन डूइंग अ फिल्म विद राम कपूर. इफ ऑल यू गाइज नो कि वो राम कपूर के साथ एक फिल्म कर रहे हैं अनुराग कश्यप की. अच्छा. उड़ान करके. अच्छा. उड़ान इज द फिल्म नेम. अच्छा. एंड उड़ान करके फिल्म कर रहे हैं. तो वो आउटडोर शूट पर थे. नाउ ही इज कम बैक ऑन द शो एंड वेरी सून यू विल सी रोनित दा ऑल्सो इन आर शो वेरी वेरी सून. और मंजनी की और कोई गॉसिप नहीं है. एंड राम कपूर का आप सुनाइए प्लीज. माय गॉड, राखी सावंत के बाद राखी का क्या हो रहा है? मेरा फेवरेट टॉपिक. राखी फिल्म का शो ना पति पत्नी और वो. अच्छा. चल रही है गोवा में. हाँ, गोवा में चल रही है. राइट. गोवा में या जयपुर में, इन दोनों में से एक जगह शूटिंग चल रही है. ऑन द 10th और 11th ऑफ सितंबर शूटिंग खत्म हो जाएगी. अच्छा. एंड सो आफ्टर दैट यू विल सी अ लॉट ऑफ राखी. अच्छा. क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट वो कहीं बाहर पब्लिक अपीयरेंस नहीं दे सकते, इसीलिए यू डोंट गेट टू हियर ऑफ राखी. राखी सुनाई नहीं दे रहा है बिकॉज वो पति पत्नी और वो शूट हो रहा था. अभी नाउ अभी वो उसकी शूटिंग खत्म हो रही है तो आई थिंक राखी विल कम बैक एंड डू सम अनदर स्टंट टू बी इन द मीडिया. तो उसका वेडिंग, उसका एंगेजमेंट ऑन है या ऑफ है, क्या हो रहा है? पेपर में एक दिन ऑन है, नेक्स्ट डे ऑफ होता है, दोबारा ऑन हो जाती है, क्या हो रहा है? हाँ, राखी निलेश वही मत कपल. मुझे ऐसा लगता है प्रोमोज आपने देखे होंगे, बापरे दोनों के इतने लवी डवी प्रोमोज बनाए इन लोगों ने. आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर बट आई थिंक राखी इज गोइंग टू डू अनदर. मतलब हम जैसे राखी के नेचर को जानते हैं, कुछ कुछ तो वो करेंगी. हाँ. जिससे कुछ तो मतलब हर लाइफ इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट एक्चुअली. कुछ पता नहीं. हाँ. कुछ पता नहीं है उनको, करेंगी नहीं करेंगी क्या, कुछ पता नहीं है. इट्स वेरी अनसर्टेन. अच्छा. तो शादी में नहीं जा रही है उसकी होने वाली नंद की समथिंग, वो भी सुना हमने, टोरंटो जा रही है. अब 17th ऑफ अगस्त को थी रिसेप्शन थी. आई थिंक इलेश अलोन वेंट और राखी नहीं जा पाई क्योंकि उनको वीजा नहीं मिला था. अच्छा. So that was some problem. That is what मेरी कान में सुना. अच्छा. आपका कान तो सही सुनता है ना? हाँ जी, आपका कान तो सही खबर सुनती है ना? हाँ, मेरा कान एकदम सही खबर सुनता है, पकड़ता है. तो बिग बॉस कर रहे हैं ये भी सबसे पहले मेरे कानों में पड़ा. अच्छा. तो और आप? बिग बी इज डूइंग बिग बॉस. वाह रे बाबा रे, यू आर जोकिंग. No, I'm not joking. My God. Oh my God. अच्छा. मैं आज का एसगेस नहीं देखा, मतलब नहीं आज का नहीं देखा. आज थोड़ा तबीयत सुस्त है, अभी देखूंगी जाके. माई गॉड. अच्छा. तो और नाक क्या क्या, प्लीज ऑल्सो टेल अस आप क्या क्या और सूंघ भी रही हैं अभी. तो चलो कान से तो यू आर गेटिंग. व्हाट आर यू स्मेलिंग नाउ निशिमा? आप क्या? आई एम स्मेलिंग अ लॉट ऑफ लिंकअप्स, लॉट ऑफ हुकअप्स, लॉट ऑफ ब्रेकअप्स एंड. प्लीज 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 टेल अस. किसका बताओ, बताइए. आप सबका बताओ. आई नो पार्शियलिटी, आई वॉन्ट टू हियर एवरीथिंग. लिंकअप का शुरू करते हैं. लिंकअप किसका? कुछ नया नहीं है एक्चुअली डॉली जी, कुछ नया नहीं. आप बताओ मेरे को किसके बारे में जानना चाहते हैं? नहीं, हम तो सबके बारे में जानते, जो पॉपुलर जोड़ी है, जो लोग देखना चाहते हैं टुगेदर. सो यू नो ऑफ कोर्स दे वांट. यू सेड मयूर नूपुर का नहीं है, मयंक नूपुर का. तो अब दे आर वेरी गुड फ्रेंड, मतलब वहाँ पे आप लिंकअप नहीं कह सकते. हाँ, वो तो लिंकअप नहीं. तो वो लिंकअप नहीं कह सकते. हाँ, वो तो लिंकअप नहीं है. और की जो छोटी बहू कपल का कुछ सुन रही हूँ मैं. अच्छा. मेरा जो कान सुन रहा है कि दे कैन बी रियल लाइफ कपल ऑल्सो, जो सुन रहा है. वैसे तो वो दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त हैं. अच्छा. लेकिन मेरा कान जो सुन रहा है कि छोटी बहू कपल रियल लाइफ वाला कपल भी है, राधिका एंड देव. ऐसा सुना है मैंने. अच्छा. ऐसा मतलब मेरे कान सुन रहे हैं. अच्छा. नो ऑफेंस और कुछ ऐसा नहीं है. मैं मेरा कान जो सुन रहे हैं मैं वही बता रही हूँ. ठीक है. एंड और ये करण कुंद्रा और कृतिका, उनका क्या है?
हाँ उनका भी है कुछ तो है, कुछ तो है बिकॉज दे आर वेरी वेरी कंसर्न एंड दे कैन ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड. मेरे को लगता है कि वो भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसा ऐसा मुझे लगता है बिकॉज क्योंकि इंसान की बॉडी लैंग्वेज या वॉट एवर से पता लग जाता है. आई थिंक दे आर ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड और मस्ती करते हैं खूब सारी. अच्छा एंड और बताइए आप किस किस के बारे और में. नक्श नक्श का क्या है. नैतिक अक्षरा हाँ नहीं उनका ऐसा नहीं, वो भी बहुत अच्छे थे, उनका ऐसा कुछ भी नहीं है. आई थिंक वी हैव बीन टेलिंग यू कि करण करण की एक बहुत अच्छी दोस्त है निशा करके. अच्छा वी हैव बीन हमने दिखाया भी था शो पे बहुत बार दिखाया था कि शी हैज ही हैज अ वेरी गुड फ्रेंड इन इन समबडी कॉल्ड निशा रावल आई थिंक. या निशा रावल इज हर नेम. ओके तो हमने उनसे पूछा कि इज शी अ गर्लफ्रेंड. तो ही डिनाइड बट ही डिनाइड ही सेड नो शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड. सो आई डोंट नो नैतिक आई थिंक इज वेरी मच सिंगल एंड रेडी टू मिंगल. अच्छा एंड इवन अक्षरा इज वेरी मच सिंगल एंड रेडी टू मिंगल. अच्छा तो आई थिंक डरने का कपड़ा. साची लोग कहाँ है, सारे गायब हो गए. कौन साची? शब्बीर एंड पंची. शब्बीर इज डूइंग अ फिल्म. हाँ पंची इज रेस्टिंग. अच्छा तो उनका बीच में काफी था ना, कुछ है नहीं है करके. दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे वर ऑलवेज गुड फ्रेंड्स. वो पता नहीं सेट से किसने क्या उड़ाया, आई डोंट नो, बट दे वर वेरी गुड फ्रेंड ऑलवेज. तो कभी उनका ऐसा कुछ लिंकअप विंकअप का मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया. अच्छा ये बताओ आप हमको, ये वॉट एवर जंगल जंगल में जो भी गए और सब करके आ रहे हैं उसका क्या है यार. जंगल आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग द शो. मुझे एट द फर्स्ट प्लेस मुझे उसका कॉन्सेप्ट की मतलब आई डोंट नो, आई डिडंट वॉच दिस. मैंने देखा ही नहीं. अच्छा जब श्वेता तिवारी बाहर गई आई डिडंट वॉच द शो उसके बाद. उसके बाद मेरा इंटरेस्ट लेवल ही चला गया बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजन देयर वर नो फेसेस एक्सेप्ट आकाश सेगल एंड चेतन मित्रा. तो उसके बाद बट मोना वन सो इट वॉज अ शॉक, इट वॉज अ शॉक, इट वॉज अ बिग शॉक. अच्छा अच्छा तो आजकल और चेतन क्या क्या कर रहे हैं, वो भी पहले काफी यू नो न्यूज में थे. या ही विल कम बैक, आई थिंक ही विल कम बैक. बाबू और दीदी के बीच में नजर आए थे वो. तो आई होप कहीं ना कहीं तो वो बाबू बेबी में ही आई थिंक ही विल कम बैक समथिंग, कुछ तो होगा. अच्छा अच्छा तो ये लोग तो कहीं किसी का सुना ही नहीं देती आजकल. पार्वती भाभी एंड ऑल ऑफ दोस वो लोग सब कहाँ चल रही हैं. जेस्टिंग एट होम, शी इज लिस्टिंग टू अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड उनको भी कहना था हमारे साथ लालबाग का राजा, लेकिन वो किसी वजह से हो नहीं पाया. आपको तो पता ही होगा लालबाग में हमने इस बार ज्यादा लोगों को लेकर नहीं गए थे. इट वॉज गेटिंग अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है. प्लस देर वॉज क्योंकि ऐसी भीड़ भड़कने वाली जगह पे वी कांट रिस्क स्टार्स ना, वी कांट रिस्क द स्टार्स. हम लोग अपने तरफ से निकल जाएंगे, इसीलिए हम लोग ज्यादा इस बार लालबाग का राजा नहीं लेकर गए. साक्षी की डिजायर थी कि वो लालबाग को देखना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, वी विल कम विद पार्वती अगेन. डोंट वरी. ओके ओके थैंक यू. सो नाउ यू टेल अस द ब्रेकअप. ब्रेकअप ब्रेकअप आप बताओ. नहीं आप ही सुनाओ ना. आप मुझे ना ध्यान में आ नहीं रहा एकदम से, जैसे आप अगर कोई नाम लेंगी ना तो मेरे को उससे रिलेटेड कुछ याद आएगा. इसलिए अगर आप लाइक सॉर्ट ऑफ एब्सोल्यूटली जो लाइक हु हैव बीन लिंक्ड अप एंड दैट्स ऑल ब्रोकन अप ऐसा. आई मीन क्वाइट अ फ्यू तो उनकी अलग अलग से शादी भी हो गई ना ऑफ स्क्रीन लोगों से. सो राइट सो दैट इज व्हाट आई हैव ऑल्सो नॉट मस्ट. सो नथिंग एज सच ऐसा नहीं आ रहा है आपको ब्रेकअप और ध्यान में नहीं आ रहा है. सम बिग हाई प्रोफाइल ब्रेकअप तो नहीं है फिर. नहीं नहीं हाई प्रोफाइल नहीं. अच्छा अच्छा सो गुड निशिमा. आप लोग तो SBS में आपका तो एवरी टाइम इतना बढ़िया इनोवेशन. यू आर ऑलवेज लाइक यू नो सो नाइस. यू ऑलवेज कंसिडर एवरी व्यूअर डिमांड. And as I've been telling you, you are of course so approachable. We feel so comfortable. So, नहीं नहीं अगर कुछ करना है तो हमारा आँख और नाक और कान सब है. We'll always find out from her and we know that we'll get to know what it is.
मैम प्लीज देखो हम लोगों को प्लीज जरूर बताइए स्टोरीज इन डिमांड में आप लोग क्या देखना चाहते हैं, प्लीज बिल्कुल, प्लीज बिल्कुल प्लीज, बिल्कुल एंड हाउ डू यू वांट टू सी अ स्टोरी, एक स्टोरी सिर्फ आपके नाम ही रहेगी, आप सबके नाम, बिकॉज द रिपोर्टर्स विल बी यू गाइज, आप लोग जो बोलेंगे आप वही कवर करेंगे, ठीक है तो उसी तरह से कवर करेंगे जैसा आप चाहते हैं। हाँ थैंक यू सो एनी अदर मैसेज फॉर ऑल आवर मेंबर्स निशिमा? Okay, this we will pass this on. No, there is a message again. Our anniversary is coming. SBS is completing 5 years very, very soon. I hope you know the date. It's 11th of October. Okay. And we need all you guys responses. Kya dekhna chahte hain? Kaise dekhna chahte hain? And I would be receiving a lot of gifts. Haan, hum log 5 saal ki ho rahe hain, by the way. Bilkul. Wow. Hum log to forum pe hum bhi manayenge SBS ka happy birthday and we'll send you the link and with all what all we need. बिल्कुल बिल्कुल एंड सो थैंक यू निशिमा, आई थिंक दिस इज व्हाट मेनली आई वांटेड टू आस्क यू वाज या हितेन का, देन वी वांटेड द कुटुंब का रीरन, एंड देन आई थिंक आई डोंट नो डॉक्टर राहुल मुझे वो भेजिएगा, वो जो पिटीशन आपने साइन किया आप लोगों ने, वी विल डेफिनेटली भेजिएगा, सो वी वांट दैट एंड वी वुड लाइक टू सी गौरी ऑन हर बर्थडे ऑफकोर्स, एंड देन we also like as I told you Dr. Rahul, I think he is also busy with his book, but I don't know if he can come back onto DMG and again pair up with Muskan, and so in new interns, okay, you have assured us that it is all the old ones are not going to be kicked out. No, they will be very much part of the story. क्योंकि कल तो वहाँ पे डीएमजी में आई हर्ड की रिधिमा और अरमान का ब्रेकअप हो गया, सो वी वर वंडरिंग की इज द स्टोरी लाइन गोइंग दैट डायरेक्शन. नहीं, good, so that's all I wanted to I think basically ask you this time, and yeah, thank you so much for showing the cash card demand on a thing which has also reached Shilpa now, so hopefully waha kuch ho jaye, that's what we are all praying for, and and then I don't know aapko sunne mein aaya hoga ki colors logon ka software crash ho gaya, itna demand waha bad gaya when they all bombarded them with the request for Shilpa as a female host. So they are considering karke bola hai shayad nahi, so let us see. चलो बढ़िया, चलो आप इस बार भी यू सेड आपका तबीयत ठीक नहीं है, गाना नहीं गाए आप, चलो थर्ड टाइम फोर्थ टाइम लकी, होपफुली हम लोग आप और वी विल बी एबल टू हियर यू सिंग सम लाइन, सो लाइक कमीने का गाना या कुछ वी वुड लाइक यू टू सिंग फॉर अस, वेरी सून. हाँ ओके निशिमा, सो थैंक यू, अभी लेट हो गया, इट मस्ट बी बेड टाइम फॉर यू, एंड थैंक्स फॉर टेकिंग माई कॉल, एंड लेट मी टर्न द रिकॉर्डिंग ऑफ, एक मिनट आप होल्ड करो. हाँ